हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ धर्मेंद्र गुप्ता फ्रॉम सृजन इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर विदाउट ड्राइंग एनी स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर को ड्रा किए ही हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर हैं। इस चीज़ को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। सपोज़ करो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपको सपोज़ करो नीट और जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आ चुके हैं। आप बहुत से लोग जान सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बाय द वे ऐसा हो जाए कि हमको स्ट्रक्चर बनाने ना भूल गया हो, ना आ रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है ठीक है स्ट्रक्चर बनाने आ रहा हो तो लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। आपको पता है कि जेई और नीट में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को कर ले, इसका बहुत ज़्यादा फोकस करना आपको, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अब देखिए, सपोज करो जैसे इसका करना आपको, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब बहुत से लोग भूल गए होंगे तो बनाएंगे तब कैलकुलेट करेंगे। आज हम आपको बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही कम टाइम में फाइंड करने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ, कैसे हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे बिना स्ट्रक्चर को ड्रा किए। तो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मूला, देखिए दो फार्मूले आपको याद करने, पहले हम आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स माइनस वन। ये होगा ओपन चेन कंपाउंड के लिए, इतना ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे चल के आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओपन चेन कितने बनेंगे, कि क्लोज चेन बनाएंगे तो कितने बनेंगे। हाँ, इसके लिए मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कैसे आपको डिटरमाइन करना है कि कितने ओपन चेन बना सकते हैं स्ट्रक्चर, कितने साइक्लिक कंपाउंड या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स माइनस वन प्लस एन, वेयर एन क्या है, एन देखिए क्या है, एन है नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स, ये आपका एन है। अब ध्यान दीजिए, चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इनको एग्जांपल से। सपोज करो H2O, अगर मैं इस फार्मूले से कहूँगा H2O का सिग्मा बॉन्ड जल्दी से बता दो, वैसे बता तो सब लोग लेंगे। चलो फार्मूले से चेक करते हैं, फार्मूले से निकाला जाए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कितना होगा, फार्मूला नंबर ऑफ एटम कितने, इसमें टू हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, टोटल एटम कितना होगा थ्री माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया टू, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए टू। अगर मैं बोलूँ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने एटम थ्री, तो थ्री माइनस वन दैट इज द टू सिग्मा बॉन्ड। मैं अगर मैं H2SO4 ले लूँ, देखिए H2SO4, चलो बताओ इसमें टोटल एटम काउंट करो, फटाक से एटम काउंट करो, फटाक से एटम कितने हो गए टू थ्री सेवन, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा सिक्स सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा सिक्स सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके सिक्स। चलो इसमें बताओ फोर फाइव तो कितना आ जाएगा फोर सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितना आएगा, कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम बताओ, इसमें आपका आ जाएगा एट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इनका मैं स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए H2O का स्ट्रक्चर बेंट होता है, इस स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। ओजोन की बात करें, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें सिग्मा एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, या ये डेटी बॉन्ड है, डेटी बॉन्ड को इस तरीके से ना लिखे, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड दे दिए, इसने डोनेट किया, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इस तरीके से भी लिखा जाता है। H2SO4 स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए सेंट्रल एटम हो गया आपका सल्फर एटम, इसके बाद कितने, एक ऑक्सीजन, उससे क्या लग गया एक हाइड्रोजन, इधर देखिए एक वन ऑक्सीजन, उससे लग गया वन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए बन गया स्ट्रक्चर किसका, इसमें काउंट कितने सिग्मा बॉन्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
सिक्स सिग्मा वन हो गए। अब सल्फेट आयन का देखिए, ओ माइनस डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, वन टू थ्री फोर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब हम आपको क्रोमेट का स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं, डाइक्रोमेट का। इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड थे एट सिग्मा बॉन्ड, चलिए चेक करते हैं। देखिए दोनों क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन था, ओ माइनस, और यहाँ पर देखिए ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड, ये देखिए स्ट्रक्चर बने। काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। तो इस तरीके से हम आसानी से सिग्मा बॉन्ड को फाइंड कर सकते हैं बाय दिस, बहुत ही कम टाइम लगा है। नंबर आप एटम देखिए उसमें से एक माइनस कर दिए, बट दिस इज द ओनली फॉर ओपन चेन कंपाउंड। अब हम आपको साइक्लिक कंपाउंड के लिए बना के दिखाने जा रहे हैं। ओके, सपोज एग्जांपल लेते हैं C6H6, इसको आप सब लोग जानते हो बेंजीन, लेकिन बेंजीन में जानते हो एक ही रिंग होता है, लेकिन मैं इसको मोनोसाइक्लिक वन रिंग और टू रिंग, मतलब मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक में आपको समझाने जा रहा हूँ, जिससे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। चलो पहले हम लेते हैं इसके लिए फॉर मोनोसाइक्लिक की बात करें तो पहले फार्मूला से निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ एटम्स माइनस वन प्लस एन। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें, सिक्स कार्बन सिक्स हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 माइनस वन, और इसमें हम कितना मोनोसाइक्लिक का मतलब वन रिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगा प्लस वन। तो इसका आंसर आ गया कितना, 12, इसका आंसर आ गया 12। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बेंजीन है, सिक्स कार्बन हो गए और ये सिक्स हाइड्रोजन हो गए, इसमें कंसीडर कर लीजिए, देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं इसी एग्जांपल को, कहने का मतलब C6H6 को बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कंसीडर करके आपको दिखा रहा हूँ, फॉर बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू 12 माइनस वन। अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि हम बाईसाइक्लिक के लिए कंसीडर कर रहे हैं, हो जाएगी 2, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 13। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाएं, देखो ये देखिए, अब इसको देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ वन हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी वन हाइड्रोजन। पहले देखते हैं कि सही है कि नहीं है, कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स कार्बन हो गए, हाइड्रोजन सिक्स, देखना वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, किसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी सही है। तो इस तरीके से हमने आप जो आपको क्या सिखाया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर फाइंड करना विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बिना स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन, चाहे वो ओपन चेन में भी सिखा दिया और साइक्लिक कंपाउंड में भी सिखा दिया, कैसे बिना आप स्ट्रक्चर बनाए सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं आसान। हाँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए,
CH3 COO CH3 CH3 COO CH3। इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।